होली के दौरान कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त मुहिम आरंभ की है। 6 मार्च की शाम से 8 मार्च की रात तक 4000 जवान सड़कों पर मुस्तैद रहेंगे। गुरुवार सुबह पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने क्राइम मीटिंग में अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए। गुरुवार शाम से ही पुलिस ने झोपड़पट्टी में कॉम्बिंग आरंभ की है। शराब दुकान के पास भीड़ नहीं जुटने देने तथा खाद्य सामग्री की बिक्री को प्रतिबंधित किया जा रहा है। शुक्रवार की सुबह से पुलिस संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च करेगी। 60 स्थानों पर पुलिस की तैनाती की गई है। 40 स्थानों पर नाकाबंदी की जाएगी। नाकाबंदी के पास ही ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्यवाही भी की जाएगी। 7 मार्च को शबे बारात भी है। 14 कब्रिस्तानों पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। गुरुवार को हुई क्राइम मीटिंग में पुलिस आयुक्त ने थानेदारों को बकाया 1800 मामले को 15 मार्च तक निपटाने के निर्देश दिए हैं। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए बीट मार्शल की संख्या को 116 से बढ़ाकर 150 किया गया है। बीट मार्शल की छवि प्रभावी बनाने के लिए यूनिफॉर्म में भी बदलाव किया जा रहा है। पुलिस आयुक्त ने कोराडी, गिट्टी खदान, मानकापुर, हुड़केश्वर, वाठोड़ा तथा जरीपटका के थानेदारों को चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। शहर पुलिस ने करीब 300 कर्मचारी बीमारी तथा दूसरे कारणों से ड्यूटी से गायब हुए हैं, उन्हें बर्खास्त तथा निलंबित किए जाने की भी तैयारी की है। निमित्ताने सर्व प्रकारचे बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आलेली आहे। काल आम्ही आमचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुलिस अधिकाऱ्यांसोबत विस्तृत विषय बैठक झालेली आहे। आज दुपारी आम्ही शहराचे प्रतिष्ठित लोकांचे शांतता समितीचे बैठक पण ठेवलेली आहे। यामध्ये शहरात अंदाजन 40 ठिकाणी जे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत तिथे नाकाबंदी आणि ड्रंक एंड ड्राइव हे 6 तारखेला संध्याकाळीपासून 8 तारखेला उशिरा रात्रीपर्यंत चालू राहणार आहे। याचे व्यतिरिक्त अंदाजन 60 ठिकाणी जे संवेदनशील ठिकाण आहे तिथे फिक्स्ड पॉइंट्स राहणार आहे। ड्रंक एंड ड्राइव मोठ्या प्रमाणात सुरू करण्यात येणार आहे। आजपासून वेगवेगळे स्लम भागात आणि जे हॉटस्पॉट्स आहे क्राईमच्या दृष्टिकोनातून तिथे कॉम्बिंग ऑपरेशन्स मोठ्या प्रमाणात जॉईंट टीम्स पोलीस स्टेशनचे आणि क्राईम ब्रांचचे ते सुरू होणार आहे। त्याचे व्यतिरिक्त पेट्रोलिंग मोबाईल्स इंटेन्सिफाई करण्यात आलेली आहे आणि एकंदरीत सर्व जे एरिया डॉमिनेशन करायसाठी फ्लॅग मार्चेस पण शहरात वेगवेगळे भागात आम्ही घेणार आहोत। पूर्ण पोलीस दल या मोठ्या बंदोबस्तासाठी सुसज्ज आहे। मला विश्वास आहे की नागपूरची जनता यांनी शांततात हे होली सण साजरा करते। पोलीस विभाग शांतता सुव्यवस्था स्थापित करण्यासाठी पूर्णपणे बरोबर आहे। या विषयावर 144 CRPC आदेश पण जारी करण्यात आलेली आहे। कोणीही जोर जबरदस्तीने किंवा सार्वजनिक ठिकाणी विनाकारण लोकांवर बेलून फेकणे किंवा महिलांसोबत अश्लील कृत्य करणे, महिलांवर जबरदस्तीने रंग वगैरे लावणे यासाठी सर्व दृष्टिकोनातून पेट्रोलिंग मोबाईल्स अत्यंत सतर्क करण्यात आलेली आहे आणि झिरो टॉलरन्सनी अशा प्रकारचे जे उपद्रव करणारे लोक आहेत त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यात येईल। विशेष करून मागचे 10 वर्षाचे एकूण अंदाजन 38 गुन्हे आहे जे होलीचे निमित्ताने दाखल होते। याचे सर्व आरोपी यांना ऑलरेडी प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि 6-7 तारीखला त्यांना 151(3) अंतर्गत अटक पण करण्यात येणार आहे। मेसेज एकदम क्लिअर आहे की जर अशा प्रकारचे सणामध्ये कोणी कायदा हातात घेत असतील तर त्यांना पुढच्या काळात अत्यंत त्रास होईल, त्यांना कायद्याची दणका त्यांच्यावर राहायला पाहिजे, म्हणून पोलीस अत्यंत सतर्क कारवाई अत्यंत सख्त कारवाई करत। NBC News के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।